गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. बाकी सब सो गए? बोलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बताना पड़ता है. बोलो गुड मॉर्निंग. बोलो बाबा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. उठ जाओ. सो मत. चलो. होमवर्क नहीं था ना कल? होमवर्क दिया था? गुड मॉर्निंग मैम. अरे गुड मॉर्निंग. जल्दी आए आप. बोलो होमवर्क था क्या? टाइम मैनेजमेंट होमवर्क था. एग्जाम था. हाँ अच्छा ठीक है. कौन सा था बताओ? कौन सा था? क्वेश्चन रीड करना. हाँ करो ना. A and B together can do a piece of work in 12 days, na? Yes, yeah, 12 days. B and C in 16 days. Okay, okay, samjha. Chalo. Aaya kisi ka answer? Question ka answer aaya kisi ka? Beech mein thoda confusion ho gaya to phir. Ma'am, suno na. Recording hai na, 7th ki hai. Matlab baki ka kat gaya hai, kal ka. कल का कट गया मैम. लास्ट के हाफ एन आवर नहीं है. हाँ 7C जो क्वेश्चन है उधर तक ही है, इसीलिए मैंने आपको बीच में. और अच्छा अच्छा वो एक्चुअली बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था, नेट चला गया था, लेकिन मैंने फिर से ऑन तो किया था. अभी फिर से देखना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, वो देखना पड़ेगा. देखती हूँ मैं आज, अगर होगा तो डाल देंगे. ठीक है. A and B together can question लिखना है क्या? कोई new student है आज? हाँ मैम लिखो कोई. जिन्होंने अच्छा ठीक है चलो लिख देती. To a piece of work in 12 days, 1 to 12 days. B and C in 16 days. After A has worked on for 5 days and B for 7 days and C finished remaining work, in 13 days, 13 days, in how many days A can finish a work alone? देखो क्या बोला है. ए एंड बी का बोला है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. मतलब ए और बी का साथ में दिया है. उसके बाद बी और सी का दिया है साथ में 16 डेज में. आगे क्या बोला है? आफ्टर ए हैज वर्कड ऑन फॉर 5 days. मतलब अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 days में काम करता है, तो पूरा का पूरा जो वर्क है हमारा टोटल वो खत्म हो जाता है पूरा का पूरा. तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन है, ये हम नहीं ले सकते. ठीक है, ये आपको समझ रहे? यहाँ पे ए हैज वर्कड ऑन फॉर 5 days बोला है, कंप्लीट करता है ऐसा नहीं बोला है कि ए 5 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट करता है, ऐसे नहीं बोला है. बी का भी ऐसे नहीं बोला और सी का भी ऐसा नहीं बोला कि पूरा का पूरा काम अकेले सी कर रहा है 13 days में, वैसे भी नहीं बोला है. सिर्फ दोनों के बारे में दिया है कि ए और बी साथ में. तो यहाँ पे ए और बी साथ में लिखोगे आप कि ए बी साथ में कितने दिन में काम करते हैं? 12 days में काम करते हैं. तो यहाँ पे आएगा 12. बी एंड सी साथ में, फिर से साथ में आएगा. बी एंड सी कितने डेज में काम करते हैं? 16 days में. ठीक है, तो इन दोनों का ही एलसीएम आएगा पहली बार, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं आएगा, इनमें से किसी का भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है.
वर्क कंप्लीट कब हो रहा है, जब अलग अलग सब काम कर रहे हैं ना तब कंप्लीट हो रहा है, सी कर रहा है 13 डेज में, लेकिन सी अकेला भी तो नहीं कर रहा है कि हम यहाँ पे अकेले लिखेंगे। तो ए बी और बी सी ही है जो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका डेज हमें पता है, किसी भी सिंगल का डेज हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 48 आएगा, ठीक है 48 हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, ये दोनों हो गया डेज। एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पे, ए और बी, 48 डिवाइडेड बाय 12 4 हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 16 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन आगे उन्होंने दिया है कि ए हैज वर्क्ड ऑन पर 4-5 डेज, मतलब अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 डेज में काम करता है, तो पूरा का पूरा ये जो 48 वर्क है, वर्क तो बढ़ेगा नहीं कम नहीं होगा, इतना ही रहेगा वर्क, वर्क इतना ही है, लेकिन ये जो वर्क है टोटल वो कंप्लीट होता है पूरा का पूरा 13 डेज में। इतना क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो 1 से 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिख रहा है ना? हाँ मैम। चलो अभी बताओ, ए 5 दिन काम करता है, ठीक है स्टार्टिंग से ही होगा ना, कोई बीच में नहीं आया, स्टार्टिंग से ही हम लेंगे, तो एक से लेंगे, ए कितने दिन तक होगा, कहाँ तक लिखूं मैं बताओ, 5 तक आएगा, 5 तक आएगा, ठीक है ए लिख दो 5 तक, इसके आगे ए आएगा क्या बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी ए आएगा क्या, नहीं आएगा ना, सिर्फ 5 दिन ही काम किया है, उसके अलावा कहीं पे भी काम नहीं किया। बी का 7 डेज है, बी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में कोई भी नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग में ही होगा सब, 1 से 7 तक आएगा। यहाँ तक ही आएगा, इसके आगे भी नहीं है। सी कब तक आएगा, 13 तक, एक से लेके 13 तक होगा, तो यहाँ पे लिख दो 1 से लेके 13 तक, सी सी सी। अभी बताओ मुझे, ये जो आपको दिख रहा है ए और बी ने साथ में कितने दिन में काम किया है, आपको यहाँ पे कितने दिन दिख रहा है ए और बी ने साथ में, 5 है ना, उसके अलावा कोई नहीं है, देखो ए और बी 5 डेज ही है, भले बी आगे जा रहा है लेकिन बी अकेला है यहाँ पे, सी के साथ है लेकिन ए के साथ नहीं है, ए 5 दिन है, तो ए और बी दोनों का कौन, दोनों 5 दिन है, तो डेज इंटू एफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क होता है हमारा, क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिंगल का एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम जो साथ साथ में है उसी को ही लेंगे। तो हम, हमारे पास अगर ए बी का है एफिशिएंसी, तो ए बी को लो, 5 दिन आएगा, 5 दिन तो कंपलसरी दोनों ने साथ में काम किया, तो यहाँ पे डेज में क्या आएगा, 5 आएगा, एफिशिएंसी किसका आएगा, ए बी का आएगा, 4 आएगा यहाँ पे एफिशिएंसी, 5 × 4 20 हो गया, ठीक है 20 वर्क कंप्लीट हो गया, ए और बी ने कंप्लीट किया। अभी ये वाला खत्म हो गया ना, ये वाला पूरा का पूरा खत्म हो गया काम, यहाँ पे 20 हो गया। अभी आगे देखो बी और सी कितने दिन में साथ में है, बी और सी सेवन डेज गलत, सिर्फ 2 दिन, 2 डेज। ये जो बी वाला आपको दिख रहा है वो मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है, फिर से आप बी को साथ में लोगे क्या, सीखे फिर से साथ में लोगे क्या बताओ, अगर यहाँ पे 20 में इंक्लूड किया है तो एक्स्ट्रा इंक्लूड क्यों करेंगे, 2 बार इंक्लूड क्यों करेंगे, तो बी और साथ में दिख रहा है लेकिन ये तो काम कम्प्लीट हुआ है ना, इसी का ही वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तो डबल डबल वैल्यू क्यों लिखेंगे, तो 2 दिन आएगा, 7 डेज कभी नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ सी बचा है, सिर्फ सी बचा है, ए और बी को लिया है ऑलरेडी, इसीलिए बी नहीं आएगा, बी सिर्फ 2 ही दिन आएगा, ओनली 2 डेज बी और सी आएगा, यहाँ पे लिख दो बी और सी डेज में आएगा 2, क्योंकि देखो अभी बी का, देखो बी का कितना डेज है, 5 + 2 7 हो गया, 5 डेज + 2 डेज 7 हो गया डेज, ए का देखो 5 डेज हो गया कंप्लीट, ए का 5 डेज कंप्लीट हो गया, बी का 7 डेज कंप्लीट हो गया 5 + 2, तो यहाँ पे एफिशिएंसी में क्या होगा, बी और सी का एफिशिएंसी आएगा 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है, सी करता है, सी का डेज कितना आना चाहिए बताओ, 6
सिक्स मैम. अच्छा सिक्स, सिक्स कहाँ से लो सिक्स मैम, कहाँ से सिक्स आएगा बताओ मैम. थर्टीन से ना मैम. थर्टीन सिक्स भी नहीं आएगा, थर्टीन भी नहीं आएगा, सिक्स भी नहीं आएगा, थर्टीन भी नहीं आएगा, इलेवन एकदम एग्जैक्ट आंसर है. इलेवन आएगा क्योंकि सी का देखो कहीं पे सी दिख रहा है क्या, सिर्फ दो ही है ना सी का. सी का डेज कितना होना चाहिए था, थर्टीन होना चाहिए था. दो डेज इंक्लूड है कि नहीं यहाँ पे बी के साथ, तो कितना डेज लेना चाहिए, ग्यारह ही लेना चाहिए ना. इलेवन प्लस टू कितना होता है, थर्टीन होता है क्या. तो यहाँ पे इलेवन आएगा ना, यहाँ पे सेवन नहीं आएगा, थर्टीन भी नहीं आएगा, इलेवन ही आएगा क्योंकि दो डेज ऑलरेडी इंक्लूड हो गया. जैसे बी का किया था वैसे ही सी का करना है. अब ये जो दो लिया है वो भी तो कैंसिल करेंगे ना. यहाँ पे गिन लो कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन हो गया समझा. टोटल में से माइनस, हाँ टोटल में से माइनस. हमें क्या चाहिए देखो, ए का पांच दिन आना चाहिए, ए का पांच दिन आ गया, भले वो किसी के भी साथ हो लेकिन ए पांच दिन है कि नहीं हो हम वो देखेंगे. बी का कितना है, सेवन डेज है. बी का देखो फाइव यहाँ पे है बी, और बी यहाँ पे भी है टू, फाइव प्लस टू सेवन हो गया. सी का देखो सी यहाँ पे इंक्लूड है, दो हो गया डेज, कितना डेज बाकी है, ग्यारह होना चाहिए, थर्टीन में से दो माइनस कर दो तो ग्यारह होगा समझा. अभी तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, एक्स ले लो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेवन एक्स हो जाएगा ठीक है. इन सब का एडिशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए एडिशन, 48 होना चाहिए. 48 में से 20 प्लस 6, 26 पता है, तो 26 माइनस कर दो कितना बचेगा, 22 बचेगा. तो 22 किसका वैल्यू होगा, इसी का ही वैल्यू होगा, 20 प्लस 6 प्लस 22 हो जाएगा 48. तो ये जो 11x है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 22. तो 11x की वैल्यू अगर 22 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी. यहाँ पे 2 होगी वैल्यू x की. x हमें, हमने किसी को अज्यूम किया था, एफिशिएंसी ऑफ c. यहाँ पे देखो c लिखा है और यहाँ पे है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ c को हमने अज्यूम किया था x. तो x का वैल्यू मिल गया 2. तो c का एफिशिएंसी कितना है, 2 है. हमें क्या चाहिए, a का चाहिए. तो a का कैसे फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला b और c का अगर 3 है, c का 2 है, तो b का कितना होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी. यहाँ पे कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए. बी और सी का तीन है, सी का दो है, तो बी और सी, बी सी माइनस सी करेंगे तो थ्री माइनस टू करोगे तभी तो वन मिलेगा बी. तो ए का कितना होना चाहिए, थ्री आएगा. ए और बी का कितना है, फोर है, उसमें से बी का अगर वन है तो फोर माइनस वन थ्री, बचा हुआ क्या होगा, ए का ही होगा. तो क्या पूछा है, डेज पूछा है ए का. तो अगर सी का, ए का एफिशिएंसी थ्री है, वर्क है 48, तो डेज क्या आएगा, डेज मतलब क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. तो वर्क है 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 16 डेज. 16 डेज हो जाएगा हमारा आंसर. इसमें किसी को डाउट है तो पूछो. मैम वो जो सी का दिया है ना, सी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, तो मतलब वो सी 6 के बाद आना चाहिए ना, नहीं 7 के बाद. वो लाइन नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पे लिखा है सी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज. तो रिमेनिंग वर्क बोला है ना, मतलब 5 और ये 7 कंप्लीट होने के बाद जितना काम बचेगा वो सी करेगा ना. रिमेनिंग वर्क तो बोला है, लेकिन रिमेनिंग वर्क भी सी ही कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग से होगा ना, क्या बीच में से आया है तो स्टार्टिंग में भी तो उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो वो सब इंक्लूड करके 13 बोला है. स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आएगा, 13 तक, 1 से लेके 13 तक, क्योंकि वो बीच में नहीं आ रहा. सबने स्टार्टिंग में, तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया था, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, और उसके बाद बाकी बचा हुआ काम 13 डेज में कम्प्लीट हो रहा है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 13 डेज में काम कम्प्लीट हुआ है, क्योंकि सी स्टार्टिंग से था इसीलिए पूरा का पूरा सी का दे दिया. ओके मैम, आंसर 16 डेज. हां आंसर 16 डेज है. हां बोलो मैम. एक्चुअली इसका एक का मेथड हो सकता है, इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि ए बी एंड सी आर द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी. तो हम बोल सकते हैं कि 5 a + 7 b + 13 c = 48. 5 फिर से बोलो.
5a plus 7b plus 13c is equal to 48. हाँ, तो आगे क्या करोगे? तो हम a plus b is equal to a plus b is equal to 4. तो 5 plus 5b is equal to 20. तो वहां से हम निकाल सकते हैं 2b plus 13c is 28. तो वही से हम कहेंगे b plus c is equal to 3. तो वहां 3 times करेंगे, वहां हमें मिलेगा b is 1. जो when b is 1, b plus c is 3, c is 2. आपने जो बोला है वो गलत नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन बना रहे हो. इक्वेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना. इक्वेशन का जरूरत क्या है? मतलब गलत नहीं है जो बोला आपने, सही है, लेकिन आप एक्स वाई मान के कर रहे हो या तो ए बी सी मान के कर रहे हो. हाँ बोलिए मैम. वो 48 माइनस 26 हमारा वर्क कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए ना. हाँ. तो इन सब का एडिशन हम क्या करते हैं हमेशा, इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए? 48 होना चाहिए. तो हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यू? 20 प्लस 6 कितना होगा? 26. तो 48 में से 26 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 48 होना चाहिए. समझा? हेलो. हाँ बोलो. ये वन का से लिया आपने? वन, बी वन. ये वाला वन. हाँ हाँ. हमारे पास सी का वैल्यू आया था ना. सी का वैल्यू 2 आया था. अगर बी और सी का एफिशिएंसी 3 है, सी का 2 है, तो बी का कितना होगा? 1 ही होगा ना. वैसे ही ए का भी आएगा. बी का 1 है तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा. एफिशिएंसी हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, डेज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे वो ही किया, एफिशिएंसी प्लस माइनस किया. और किसी को डाउट है क्वेश्चन में बोलो. मैम मुझे ना ये 48 माइनस 26 के बाद से बताओ ना. अच्छा, यहाँ पे 22 कैसे आया? समझा? हाँ, बताओ. हाँ. ये समझा क्या? पक्का? हाँ मैम. 22 कैसे आया? हाँ. समझा ना. चलो, तो यहाँ पे 11x की वैल्यू कितनी है? 22 है. ठीक है, 11x जो है इसी की ही वैल्यू यहाँ पे 22 होना चाहिए. तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना. यहाँ पे अगर देखो 22 है हमारा वर्क, ठीक है, तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. 22 डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो ये एक्स का वैल्यू किसको अज्यूम किया था? एफिशिएंसी को अज्यूम किया था. किसकी एफिशिएंसी को? सी की ना. सी यहाँ पे लिखा है, तो सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा अगर हमें एक्स का वैल्यू मिल गया. एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है. ठीक है, अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने सी का एफिशिएंसी है 2. सी का एफिशिएंसी अगर 2 है और हमारे पास बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना. डेज प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन एफिशिएंसी तो हो सकता है. बी सी में से 3 अगर बी सी है, सी है 2, तो जो बचेगा वो क्या होगा? बी होगा. अगर माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1 होगा, वो क्या हो जाएगा? बी. और सी है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो बी का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. अगर बी 1 है तो ए और बी में से, ए और बी अगर 4 है और उसमें से बी 1 है, तो जो बचा है 3 वो क्या होगा? ए होगा. तो 3 मिल गया हमें एफिशिएंसी ए का. अभी देखो ये क्या है? वर्क है. ये क्या है? एफिशिएंसी है. और हमें क्या पूछा है? डेज पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन फिनिश अ वर्क अलोन. मतलब ए अकेला कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट करता है. तो वर्क कितना होगा? 48 होगा. 48 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी. हमारे पास एफिशिएंसी है ए का कितना है? 3 है. 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 16. तो 16 डेज हो जाएगा हमारा आंसर. समझा? हाँ मैम. और किसी को डाउट है इसमें? ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ सकते हैं. पीओ के प्रीलिम्स में भी आ सकता है या तो क्लर्क के मेंस में भी पूछ सकते हैं. एसएससी में मैम? एसएससी में भी आएगा. टीयर 2 में आ सकता है. एसएससी मींस ये एसबीआई के प्रीलिम्स में आ सकता है. हाँ, एसबीआई की प्रीलिम्स में. क्या बोल रहे हो? ये वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप का आ सकता है? नहीं, ये थोड़ा सा मॉडरेट है, इजी लेवल का नहीं है. थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में नहीं समझता, तो ये मॉडरेट लेवल का है. तो ये मेंस में आ सकता है या तो पीओ के प्रीलिम्स में आ सकता है. क्लर्क के मेंस में आपको थोड़ा इजी होगा, मतलब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा इजी होगा. मीन्स अगर ए और बी 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैम अपने 5 डेज ही कैसे लिया?
ए और बी ये अलग है, वहां पे ये अगर उन्होंने बोला है ए और बी पूरा का पूरा जो वर्क है वो 12 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वर्क वो 12 डेज में करते हैं अगर वो दोनों साथ में करने जाए, ऐसे बोला है। लेकिन ये जो हमें 5 डेज बोला है ना कि उन्होंने ही बोला है, ये हमें, हमने नहीं अज्यूम किया है, ये पूरा का पूरा ए और बी खत्म नहीं कर रहे, सी भी है वहां पे, तो सिर्फ सब सबने अलग अलग टाइप में अलग अलग डेज में काम कर लिया, इसीलिए सबका अलग अलग डेज आया, जैसे इन्फॉर्मेशन दिया है हमने वैसे लिख दे गए। मैम हाँ बोलो मैम, अगर डे की जगह अगर ऐसे हवर्स दिया रहा तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही जैसे अभी आपने? हाँ, अगर डेज की जगह आवर्स भी आया तो आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन आवर्स नहीं आता है, वैसे नहीं आता, डेज में ही आता है, टाइम एंड वर्क में नहीं। मैम कल में इसका क्वेश्चन सॉल्व करी थी ना, तो उसमें हवर्स आया था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अगर ऐसे करना है या कोई दूसरा मेथड है। मोस्टली नहीं आता है वैसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आया तो भी डेज डेज के यहाँ पे लिखना है, डेज और आवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डेज के यहाँ पे ही आएगा, एफिशिएंसी अलग होता है और आवर्स अलग होता है, तो वो डेज में ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके मैम। मैम ये 11 कैसे आया? ये 11 हाँ ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, पूरा का पूरा से लेके 13 13 वन से लेके 13 है, उसमें ये जो दो है ना वो यहाँ पे लिखा है ना वो माइनस करना है। हाँ, तो वो माइनस करना है 13 में से। ओके, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, 11 बचेगा। चलो हो गया, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम, नो मैम। चलो ठीक है, हाँ मैम, बादल पूछ रहा था वो आधे घंटे का सीखा है। आधे घंटे का वो मैंने बोला ना, आधे घंटे का, अगर मतलब मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ना, रिकॉर्डिंग कल रिकॉर्डिंग किया था लेकिन वो कंप्लीट हुआ है नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे। मैम सुनो ना, अगर जो जिन्होंने लेक्चर कराया था रिमेनिंग मीन्स 13 बादल, तूने कौन सा समझा? अच्छा अच्छा, बादल इसीलिए पूछ रहे हो? अच्छा मैं भूल गई, फिर से मैं तुम्हें लेफ्ट करवाया, सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया था बादल, मैं जानबूझ के नहीं किया था। मैम पता है, बट नोट्स भी लिखना रहता है ना, और शाम का कोई टाइप रहा तो इसके लिए पूछ रहा। नहीं वो तो टाइप तो था ही वहां, वो आपका कहां तक हुआ था? पार्ट सी तक ना, तो वो उसमें एक ही क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद एक ही सम हुआ था। हाँ, एक ही सम हुआ था। मैम जो थाने ब्रांच है उसे जो जिन्होंने अटेंड किया उनको बोलो ना थाने ब्रांच उसमें डाल देने वो पिक क्वेश्चन का। अच्छा, आपने भी अटेंड नहीं किया था? नहीं मैम। अच्छा, एक्चुअली मैं जॉब जाती हूँ ना, तो फिर मैं हाफ एन आवर का बाद में यूट्यूब से देखती हूँ, तो यूट्यूब है ना अपलोड। अच्छा एक काम करते हैं, अभी अभी जितना हो रहा है उतना ले लेते हैं, लास्ट में ना ये क्वेश्चन है ना। हाँ। अभी ये लेक्चर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए ले लूंगी एक लेक्चर, ठीक है? एक जो क्वेश्चन बाकी है बादल, मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज इफ दे start work together till the whole work complete. Find the share of wages of A, B and C out of
the total wages of rupees 750. इसके यहाँ पे लिख लो कि जो शेयर होता है या तो जो प्रॉफिट होता है या तो वेजेस, वो हमेशा जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हमेशा. आपको कभी भी शेयर पूछे, प्रॉफिट पूछे, वेजेस पूछे कि तीनों में पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो आप एफिशिएंसी के रेशियो से ही जाओगे हमेशा. मिस कुछ भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो एफिशिएंसी के थ्रू ही जाना है. हाँ, वहां पे आपको बताएंगे, वेजेस ही दिया रहेगा, आपको वेजेस देंगे या प्रॉफिट या तो शेयर बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. तो आपको क्या करना है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, उसके हिसाब से तीनों में, तीनों हो, दो हो, चार हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. वेरी गुड, सही है. सब लोग करो. सेम आया मैम, वही सेम. वेरी गुड मैम, आंसर इज 300, 215, 120. वेरी गुड ओजस, 120. मैम मैम वन सेकंड, 300, 250, 200.300, 250, and 200. वेरी गुड, अभी सही है. चलो सब लोग ट्राई करो, पहले एफिशिएंसी निकालो तीनों का. पता है आपको कैसे निकालना है, एलसीएम लेके एफिशिएंसी आएगा तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग. चलो बाकी सब बताओ. मैम वो क्या लिखा है आगे, फाइंड द शेयर ऑफ द वेजेस ऑफ ए बी सी एंड, तो उसके आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ, आउट आउट आउट. आंसर क्या बताया मैम आपने? 300, 250, 200 आया आपका. नो करो करो. वेरी गुड रितिका, वेरी गुड बादल. मैम 300, 250, 200. वेरी गुड अंकुश. देखो ए बी सी का सबका अलग अलग डेज दिया है ना. ए का कितना है, ए का है 10, 12, और 15. इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 एलसीएम होगा, तो हमें एफिशिएंसी तो मिलेगा ना सबका. 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 6 होगा. 60 डिवाइडेड बाय 12 5 हो जाएगा. 60 डिवाइडेड बाय 15 4. तो हमारे पास एबीसी तीनों का, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी मिल गया 6:5:4. 6:5:4. तो इन्हीं रेशियो में, ये जो रेशियो है उसी में ही हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 750 है. अभी यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 6+5+4 कितना है टोटल, 15 है. तो यहाँ पे 15 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 750 है ना. तो 15 की वैल्यू 750 है, तो 750 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है, 50 होता है
50, तो पर यूनिट की वैल्यू मिल गई 50, तो हर एक का निकालो, सबको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 6 × 50 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 5 × 50 कितना होगा? 250। और 4 × 50 कितना हो जाएगा? 200। हो गया, मिल गया। क्या किया यहाँ पे? 750 जो है ना वो टोटल है, तो टोटल को रेशियो का जो टोटल है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पर यूनिट का मतलब एक का वैल्यू मिलेगा, कितना होगा पर यूनिट का वैल्यू? 50 हो जाएगा। तो पर यूनिट का अगर 50 वैल्यू है तो 6 का कितना होगा? 6 × 50 मतलब 300। 5 का कितना होगा? 5 × 50 250। 4 का कितना होगा? 4 × 50 200। वैसे ही कर, इसमें किसी को डाउट है? ये लिख के रखो, बीके साइड में लिख के रखो, ये इम्पोर्टेंट है। हर एक बार आपको जब भी वेजेस दिया जाएगा तो आपको एफिशिएंसी के रेशियो से ही जाना। मैम मुझे ना सेम क्वेश्चन मिला जो आपने फर्स्ट सम लिया था ना एज अ होमवर्क। फर्स्ट सम? हाँ, एज अ होमवर्क लिया था ना आपने। हाँ, अभी स्टार्टिंग में ये सेकंड सम है, उसके पहले फर्स्ट सम लिया था ना, उसके जैसा सेम क्वेश्चन। आप अभी मत बताओ, आप मुझे मैम को भेज दो आपका। अगर डाउट है पहले खुद ट्राई करो, डाउट होगा तो भेजो, पहले खुद ट्राई करो। ओके, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। चलो मैम, A alone can finish a work in 1 to 12 days while B alone can do it in 1-5-15 days. They were given rupees 1470 for the job which they finished in 4 days. With the help of C, amount of money which C received यहाँ पे भी टोटल वेजेस दिए आपको 1470 और सी का निकालना है ना अमाउंट ऑफ सी।
प्रणय आप न्यू स्टूडेंट हो? प्रणय यस मैम, यस मैम। फर्स्ट लेक्चर है आपका? यस मैम। अच्छा ठीक है, आपको डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? okay, नहीं okay. समझ रहा है तो पूछो मैम। हाँ 582 आंसर आया, सीखा? वेट कैलकुलेशन में दूंगा। 508 नहीं, 508 भी नहीं है। मैम सी गॉट 588 रुपीस। नहीं, क्या क्या फिर से बोलो। 5 मैम सी गॉट 588 रुपीस। 5 मेरा भी 588 588 सही है। 588 हां मेरा भी 588 है। 582 बोला था सुन तो सब। हां वो ऑप्शन में देख के मैं सिलेक्ट कर दूंगा मैम, दो अमाउंट। अरे समझ कर चलो, बाकी सब और किसी का आया? 588 होना चाहिए, 588 सिक्का वाली। हम 588 588 वेरी गुड अंक चाहिए, वेरी गुड बादल। 588 सही है, सही है, वेरी गुड। ए कैन अलोन Finished a work in 12 days, ठीक है यहाँ पे लिख दो 12, while B can alone do it in 15 days, मतलब B को time लगता है 1/15 days, A को लगता है 12, they were given rupees 1470 for the job which they finished in 4 days with the help of C, मतलब ये जो 1470 है सब में बट गया है, ठीक है, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटेंगे, ये जो दिख रहा है 1470 इससे। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उनको एक वर्क दिया था जो वर्क उन्होंने सी के साथ, मतलब विद द हेल्प ऑफ सी, तो ए और बी दोनों ने सी की हेल्प से 4 दिन में वो काम कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और सी तीनों का 4 डेज आएगा सेम काम कंप्लीट करने के लिए, जो ए सेपरेटली 12 दिन में कर रहा है, बी सेपरेटली 15 डेज में कर रहा है, वही ए बी सी को 4 डेज लग रहा है अगर वो तीनों का तीनों साथ में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है विद द हेल्प ऑफ सी, और यहाँ पे क्या बोला है दे, दे का मतलब ए और बी दोनों होगा, तो ए और बी सी की हेल्प के साथ 4 दिन में काम कर रहे हैं और हमें अमाउंट दिया है 1470 टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 कितना आएगा? 60 आएगा, 60 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? 5 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा? 4 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 क्या है, ए बी सी है, ठीक है, उसी में से ए का वैल्यू, ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, बी का है 4 है, ये 60 तीनों का एलसीएम निकाला, 12 के टेबल में, 15 के टेबल में और 4 के टेबल में 60 आता है ना वैसे, ठीक है, ये हो गया 60। तो यहाँ पे आया ए बी सी का 15 वैल्यू आया, तो 15 में ए का वैल्यू कितना है? 5 है, बी का कितना है? 4 है, तो सी का कितना होगा? 5 प्लस 4 9 होगा, 15 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें सी का सेपरेट एफिशिएंसी मिल गया क्योंकि हमारे पास एबीसी का था, तो एबीसी में से 5 और 4 ए है, ए एंड बी है, तो सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सबका अलग अलग मिल गया, ए बी और सी, ए का है 5, बी का है 4 और सी का कितना है? 6 है। तो यहाँ पे सबका एडिशन कितना हो रहा है? अगेन 15 ही हो रहा है सबका एडिशन, 1/15 और टोटल कितना है हमारे पास? 1470। तो अगर 1470 ये 15 जो है 1470 के बराबर है और हमें क्या पूछा है सी का वैल्यू, तो सी कितना है? 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आएगा डायरेक्टली आंसर 1470 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, 15 से डायरेक्ट जाएगा। हाँ जा रहा है 98।
98 है यस मैम 98 ये हो जाएगा 580 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर एक का पूछा ना डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो मतलब यहाँ पे टोटल है 1/15 का वैल्यू 1470 है क्योंकि रेशियो हमारा टोटल कितना है 15 है और ये भी तो टोटल ही है ना तो टोटल को टोटल से कंपेयर करना होता है 15 का वैल्यू 1470 है और सी का पूछा है तो सी का कितना है 6 है तो 6 का वैल्यू कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ठीक है ये सेंटेंस यहाँ पे मेन था यहाँ पे ये समझ गया ना तो आप आराम से कर लो इसमें किसी को डाउट है बोलो मैम एक बार फिर से बताइए ना एक बार फिर से ए और सी की वैल्यू 6 कहाँ से नहीं मैम यहाँ से ये जो आपने डिवाइड किया ना वहां से हाँ मैम यहाँ से बताइए सी की वैल्यू 6 के से आई बोल रहे हो आप यहाँ पे देखो 15 एबीसी का कितना है 1/15 है उसी में ए का कितना है 5 है बी का कितना है 4 है 5 प्लस 4 कितना होगा 9 हो जाएगा अगर एबीसी 15 है एबी 9 है तो सी कितना होगा 15 माइनस 9 6 हो जाएगा समझा 6 कहाँ से आया मैम ये आपने जो 1470 into 6 यहाँ से बताइए ना अच्छा यहाँ से यहाँ पे देखो 15 सबका एडिशन कितना है 1/5 है ना 15 की वैल्यू कितनी है 1470 दिया है ना 15 की वैल्यू अगर 1470 है तो सी मतलब सी का एफिशिएंसी हम देखेंगे सी का कितना एफिशिएंसी 6 है तो 6 का कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे 1470 into 6 लिख दिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15 तो ये 15 से डायरेक्ट जा रहा था 15 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया कितना आया 98 आया तो 98 into 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 588 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं यहाँ हेलो मैम हाँ बोलो ये एबीसी का 4 के लिए ये बताओ ना एक बार एबीसी का क्या बोल रहे हो 4 वैल्यू मतलब 4 डेज क्यों लिया एबीसी मतलब 4 डेज का वैल्यू एबीसी क्यों लिया ये एबीसी क्यों लिया यहाँ पे देखो दे वर बोला है ना इसके पहले किसकी बात हुई है ए और बी की ना दे मतलब एक तो नहीं होगा एक से ज्यादा ही होगा तो दे मतलब किसकी बात हो रही है ए और बी की ना अगर दे वर मतलब ए और बी को एक जॉब दिया था ठीक है एक फॉर दी जॉब एक जॉब दिया था वो उन्होंने कंप्लीट किया कितने डेज में 4 दिन में कंप्लीट किया फिनिश्ड इन 4 डेज 4 डेज में कंप्लीट किया किसके साथ विद द हेल्प ऑफ सी सी की हेल्प के साथ इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे डायरेक्टली नहीं बता रहे वो इनडायरेक्टली बता रहे कि ए और बी ने एक उनको जॉब दिया गया था वो उन्होंने पूरा का पूरा जो वर्क है वो सी की हेल्प के साथ कंप्लीट किया तो यहाँ पे एबीसी ही होना चाहिए ना तीनों ने कंप्लीट किया है इसीलिए एबीसी आया और 4 डेज क्लियरली बोला है कि काम कंप्लीट हुआ है कितने डेज में हुआ है फिनिश्ड बोला है कितने डेज में 4 डेज में इसीलिए 4 आया समझा डायरेक्टली नहीं दिया इनडायरेक्टली आपको दे रहे हो गया सबका और किसी को डाउट है इसमें बोलो रफ कर दूं बोलो हो गया हाँ मैम चलो ठीक मैम मेरा ना एक एलसीएम में नहीं आ रहा है एलसीएम नहीं आ रहा है हाँ 14 18 और 6 तो ये तीनों का है 14 18 और 6
चलो सब लोग बताओ 14 18 एंड 6 कितना आएगा. करो करो. ये कहाँ से ढूंढा आपने 14 18 6? मैं से एक सम मिला मुझे उसमें था सेम टाइप का. सम ढूंढ रहे हो अभी? आप सम ढूंढ रहे हो? सम नीड 336 336 आ रहा है. बाकी सब बताओ 336 ज्यादा थोड़ा ज्यादा. 126 हाँ 126 yes. यहाँ पे क्या होगा 14 18 एंड 6 तीनों को डिवाइड कर दो 2 से. 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 9 होगा एंड 2 इंटू 126 मैम. फिर से 3 126 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1 और यहाँ पे आएगा 7 एंड 3. 7 इंटू 3 कितना होगा 21. 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63 इंटू 2 मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब मैंने एक सम देखा, उसमें रेशियो था तो एफिशिएंसी का रेशियो तो होता है. एफिशिएंसी मतलब रेशियो ही होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी and able to finish the work in 45 days less than B, then find the time in which they can आपको पता है complete आज ना SBI का 66th bank day work together. थर्ड लाइन में से थर्ड वर्ड कंप्यूट है ना? कंप्लीट है. कंप्लीट कंप्लीट P-L-E-T-E कंप्लीट. टाइप का क्वेश्चन मेन में पूछेगा कि प्री में पूछेगा मैम? कौन सा क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन. ये प्रीलिम्स का है. ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो ना इजी है. ये वाला प्रीलिम्स में पूछेंगे. 75 नहीं है. जो हमारा एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा हमारे टाइम से. टाइम बोलो या डेज बोलो, ठीक है? मतलब इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? डेज का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी से. मतलब अगर एफिशिएंसी का रेशियो अगर आपको दिया है 1:2 तो टाइम और डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा. 3:2 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2:3. डायरेक्ट उल्टा लिखना, डायरेक्ट उल्टा है, अपोजिट. इनवर्सली प्रोपोर्शनेट जब भी आएगा तो आपको डायरेक्टली उल्टा रेशियो लिखना. तो यही यहाँ पे यूज होने वाला है. ये लिख के रखो, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लिख के रखो, साइड में लिख के रखो.
एक रेशो दिया है, गिवन है, एक रेशो आपको दिया है क्वेश्चन में. मैम 75 डेज. 75 नहीं है. किससे आया? अच्छा उल्टा रेशो लिया आपने, मुझे लग रहा है उल्टा रेशो लिया है, उल्टा रेशो से कंपेयर किया है शायद. मैम 12 दिन. 12 सही है. वेरी गुड अंकुश सही है. 12 सही है, 12 डेज होना चाहिए. ये लिख लिया ना सबने? रख दो. मैम 12 डेज. 12 डेज सही है, वेरी गुड. जब भी आपको एज फास्ट एज दिया होगा या एज गुड एज दिया होगा, एज फास्ट एज दिया होगा, तो वो जो रेशो दिया होता है वो किसका रेशो होना चाहिए बताओ? एफिशिएंसी. टाइम का होना चाहिए या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का रेशो होगा. एज फास्ट एज दिया हो, एज गुड एज दिया हो, तो वो रेशो हमेशा एफिशिएंसी का होगा. तो यहाँ पे हमें दिया है एफिशिएंसी का रेशो. बोलो. पर वर्क दिया रहता है तो हम लोग जैसे नॉर्मल लेते हैं वैसा रहेगा ना? हाँ वो अलग हो गया. यहाँ पे देखो एफिशिएंसी का रेशियो ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी. मतलब बी अगर 1 है, बी को अगर 1 अज्यूम करते हैं तो 4 टाइम्स 1 का कितना होगा? 4 ही होगा. तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 रेशियो होगा एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी का रेशियो अगर 4:1 है तो डेज और टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:4. 1:4 उल्टा हो जाएगा. 4:1 का उल्टा हो जाएगा 1:4. ठीक है, ये मिल गया हमें डेज और टाइम का रेशियो मिल गया 1:4. और यहाँ पे क्या बोला है? ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी एंड एबल टू फिनिश द वर्क इन 45 डेज लेस देन बी. लेस देन बोला है तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस होगा. तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्योंकि डेज की बात हो रही है तो हम एफिशिएंसी को कंपेयर नहीं करेंगे. डेज की बात हो रही है तो डेज के जो रेशियो होगा उसी से ही कंपेयर करेंगे. और लेस देन हो, मोर देन हो, मोर और लेस देन हो, हमेशा डिफरेंस होता है. तो 4-1 कितना है? 3 है. तो 3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? 45 डेज के बराबर होगा. 45 डेज. तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 45 / 3. 15 आएगा. 15 डेज. 1 यूनिट का वैल्यू है 15 डेज. तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1/15 डेज. बी यूनिट का, बी का वैल्यू कितना होगा डेज में? अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? 4 × 15 हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा. ठीक है, अभी हमारे पास डेज मिल गया. दोनों का सेपरेट सेपरेट लिख दो यहाँ पे ए एंड बी. ए का देखो डेज कितना है? 1/15 है. बी का डेज कितना है? 60 है. दोनों का एफिशिएंसी पता है ना हमें? देखो ऊपर एफिशिएंसी निकालने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी पता है. ए का है 4, लिख दो 4. बी का है 1, लिख दो 1. तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अपने आप 60 आ जाएगा. 15 × 4 = 60 आ रहा है. 60 × 1 = 60 आ रहा है. वो तो अपने आप सेम हो जाएगा, हमें सेम करना नहीं, अपने आप सेम हो जाएगा. अभी ए और बी का दोनों का साथ में पूछा है ना कि देन फाइंड द टाइम. टाइम मतलब डेज पूछा है इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर. तो यहाँ पे हाँ बोलो. ये आपने एलसीएम की मतलब यहाँ पे किया क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है. डायरेक्टली एलसीएम नहीं निकालेंगे, हमें ऑलरेडी पता है डेज भी पता है एफिशिएंसी भी पता है. तो आप एलसीएम निकालोगे तो भी 60 आएगा, अपने आप आ जाएगा 60. क्योंकि 15 एंड 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा. तो वो अपने आप वैल्यूज आ जाएगा, आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे ए और बी का साथ में पूछा है ना, तो यहाँ पे 4+1 करोगे, यहाँ पे दोनों का एडिशन नहीं होगा, दोनों का यहाँ पे 15+60 किया था ना, मैंने बोला था डेज प्लस माइनस नहीं करना है, कभी भी नहीं करना, फिर से समझाओ ना कहाँ से, एक मिनट ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 4+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 डेज होगा आंसर। देखो पहली बात, आज फास्ट एस हो आज गुड एस हो वो एफिशिएंसी का ही रेशियो होगा हमेशा, तो 4:1 एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया ए एंड बी का, तो उल्टा हम कर सकते डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो यहाँ पे 4:1 अगर एफिशिएंसी है तो डेज और टाइम कितना होगा, 1:4 हो जाएगा, तो ये डेज है, डेज का रेशियो है, एक्चुअल डेज नहीं है, तो डेज का रेशियो ए का है 1 और बी का है 4। एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड एबल टू फिनिश द वर्क 45 डेज लेस देन बी, तो लेस देन होगा तो डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे ना, 4-1 कितना होगा, 3 होगा, तो ये 3 जो दिख रहा है, 3 जो दिख रहा है उसका वैल्यू कितना है, 45 है, क्योंकि 45 डेज दिया है क्लियरली वैल्यू, तो 3 का वैल्यू अगर 45 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 45 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, कितना मिला, 15 डेज मिला, 1 यूनिट का वैल्यू 15 डेज है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, इसका वैल्यू मिला है आपको, डेज का वैल्यू मिला है, तो डेज के रेशियो से ही कंपेयर करोगे, यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, 15 डेज है ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 डेज, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 15 डेज होगा, B का कितना है 4 है, तो 15 × 4 कर दो, 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 डेज, अबे दोनों का सेपरेट सेपरेट डेज मिल गया, A का कितना है 1515 लिख दिया, B का कितना है 6060 है लिख दिया, A का है 15, C का B का है 60, अबे एफिशिएंसी पता है दोनों का सेपरेट सेपरेट, A का है 4 लिख दो 4, B का है 1 लिख दो 1, दोनों का एलसीएम अपने आप 60 आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, A और B जो है अभी यहाँ पे देखो, जो हम जो कर एडिशन जो करते हैं ना, तो यहाँ पे डेज का एडिशन कभी नहीं होता, मैंने हमेशा आपको बोला है डेज प्लस माइनस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, एफिशिएंसी प्लस माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पे 60+15 नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, 4+1 हो जाएगा 5, तो 5 क्या होगा, ए और बी दोनों का एडिशन हो जाएगा एफिशिएंसी का, क्योंकि ए और बी साथ में काम कर रहे, तो दोनों का एफिशिएंसी का एडिशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 5 पता है हमें, 5 क्या है, एफिशिएंसी है, 6060 क्या है, टोटल वर्क है, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे तभी तो डेज मिलेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 डेज हो जाएगा हमारा आंसर, ए और बी दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 12 डेज लगेगा। अभी किसी को डाउट है क्या, बोलो, डाउट होगा तो पूछो। मैम मेरे को फटाफट स्टार्टिंग से बताओ, जो पॉज हो जाता है वापस से स्टार्टिंग से बताओ। अच्छा देखो, आज फास्ट टेस्ट बोला है ना, आज फास्ट टेस्ट का मतलब होता है 4:1, यहाँ पे जो होगा एफिशिएंसी का रेशियो, तो मैंने अभी क्या बोला था, जो भी एफिशिएंसी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है डेज से, तो अगर 4:1 रेशियो है, क्योंकि 4 टाइम्स बोला है, अगर इसको 1 अज्यूम करते तो 1 का 4 टाइम्स कितना होता है, 4 होता है, तो 4:1 रेशियो आ गया, तो उल्टा हो जाएगा टाइम और डेज का रेशियो, 1:4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए जो है वो 45 डेज लेस देन बी, मतलब क्या बोला है कि जो ए को टाइम लग रहा है 45 डेज लेस लग रहा है बी से एज कंपेयर टू बी, तो यहाँ पे जो दिया है लेस देन बोला है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, इसी से कंपेयर करोगे, एफिशिएंसी का रेशियो एफिशिएंसी से ही कंपेयर करोगे, डेज दिया है तो डेज के रेशियो से ही कंपेयर करना है आपको, 4-1 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 का वैल्यू कितना है, 45 है ना, 45 डेज दिया है क्लियरली, 3 का वैल्यू अगर 45 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 45/3, 1515 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 15 डेज होगा, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का रेशियो कितना है डेज में, 1 है ना, तो अगर 1 का वैल्यू 15 है तो यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 15, यहाँ पे देखो कितना है, 4 है, बी का डेज का वैल्यू रेशियो में 4 है, तो एक्चुअल कितना होगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट का कितना होगा, 15 × 4 60 हो जाएगा, अभी ए का डेज मिल गया 1/15,
बी का भी डेज मिल गया 6060। एफिशिएंसी कितना है, ए का 4 है, बी का कितना है 1 है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 1 60। तो यहाँ पे हमें मिल गया एलसीएम। ए और बी का बोला है टुगेदर, बोला है कितना टाइम लग रहा है, मतलब डेज निकालना है जब ए और बी साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 60 और यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा ना, ए और बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 60 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 डेज। ये होगा आंसर आपका, क्योंकि ए और बी को कितना टाइम लगता है, 12 डेज। मैम प्लीज एक बार बता दो लास्ट टाइम 12 कैसे आ गया, 12 कैसे आ गया। हाँ 60 डिवाइडेड बाय 5 किया ना, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 होगा। हाँ बोलो, ये 1 समझा मैं, लेकिन वन के साथ ये वो नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन सा वन, ये वाला या ये नहीं, वाला नहीं, स्टार्ट में फोर, ये वाला। अच्छा, फोर टाइम्स है ना, आप यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने अज्यूम किया है वन, अगर आप दो अज्यूम करोगे, तीन अज्यूम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका आपको फोर टाइम्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अगर वन लिया तो उसका फोर टाइम्स कितना होगा, फोर होगा। अगर आप टू लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। समझा, कुछ भी लो अज्यूम करो चलेगा, यहाँ पे कुछ भी अजम्पशन करो, लेकिन हमारे लिए जो इजी होगा वो हम तो वही अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि रेशियो है। तो फोर टाइम्स अगर आप टू लोगे तो यहाँ पे फोर लेना पड़ेगा, थ्री होगा तो यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर टाइम्स बोला है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि वन ही लेंगे। मैम हाँ बोलो, अपने हम लोग वहाँ पे टू लेते हैं और यहाँ एट, तो एट इस टू हो जाएगा, तो उसको कट करके स्मॉल वैल्यू लाना पड़ेगा, मतलब टू से, मतलब फिर से फोर इस टू वन ही आने वाला है लास्ट में। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लास्ट में फोर इस टू वन ही आएगा। चलो रफ कर दू ये। यस सर। A is thrice as good as B, therefore able to finish a work in 80 days. Less than B, then find the time in which, हाँ बोलो, हाँ वो A is के बाद में क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। A is thrice, T-H-R-I-C, thrice, in which they can complete a work together thirty days सही है, very good। same type है, same to same question है। एक महीना 30। अच्छा एक महीना, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बादल। एक महीना मत बोलो, 30 days ही। 30 days, वेरी गुड।
सेम टाइप है, सब लोग ट्राई करो. थर्टी डेज मैम. वेरी गुड आसिफ, सही है. वेरी गुड विशाल. थर्टी डेज. वेरी गुड अक्षय. थर्टी डेज आया. हाँ वेरी गुड आंसर. तीस दिन. वेरी गुड अंकुश. वेरी गुड हर्षदा. वेरी गुड प्रिंसी. वेरी गुड नेहा. थर्टी डेज. वेरी गुड दिनल, सही है. चलो बाकी सब भी बताओ. वेरी गुड बादल. वेरी गुड सुमित. वेरी गुड प्रियंका. सेम टाइप है. ए एंड बी. एफिशिएंसी का रेशो दिया यहाँ पे भी. एफिशिएंसी कितना है? थ्राइस एज गुड एज बी. तो हम बी को अज्यूम करेंगे वन. तो ए कितना हो जाएगा? थ्री होगा. थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स होता है. तो यहाँ पे वन का थ्री टाइम्स हो जाएगा थ्री. तो डेज का रेशो क्या हो जाएगा? वन इज टू थ्री. उल्टा हो जाएगा. वन इज टू थ्री आएगा डेज का रेशो. देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क 80 डेज लेस देन बी. तो यहाँ पे भी क्या है? डिफरेंस ही दिया है. डेज का डिफरेंस है. अगेन डेज का डिफरेंस है. यहाँ पे कितना डिफरेंस है? टू है. टू का वैल्यू कितना है? 80 डेज है. 8080. तो वन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 4040 हो जाएगा. तो यहाँ पे वन का वैल्यू कितना होगा? 40 डेज होगा. और यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना होगा? 40 into 3 हो जाएगा 120 डेज होगा बी का. लिख दो फिर ए का वैल्यू. ए का डेज कितना है? 4040 है. बी का कितना है? 120 है. दोनों का एलसीएम आएगा 120. या तो डायरेक्टली एफिशिएंसी लिख दो. यहाँ पे आएगा 3. यहाँ पे आएगा ये 1 और 120 हो जाएगा एलसीएम. और क्या पूछा है? टुगेदर मतलब दोनों का साथ में पूछा है. ए एंड बी का साथ में कितना टाइम लगेगा? 3 + 1 हो जाएगा 4. 120 डिवाइडेड बाय 4 होगा. यहाँ पे कितना आएगा डेज? 3030 डेज. मैम वो 120 कैसे आया मैम? वो सर्कल में. अच्छा वन यूनिट का वैल्यू कैसे आया? देखो अगर दो ये जो डिफरेंस है डिफरेंस के बराबर होगा ना. तो यहाँ पे देखो वन यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? 80 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तभी आएगा 40. 80 डिवाइडेड बाय 2 तो वन यूनिट का वैल्यू कितना आया? 40 आया. तो यहाँ पे देखो वन यूनिट का वैल्यू 40 है. तो 3 यूनिट्स का कितना होगा? 40 into 3 120 होगा. समझा? वन यूनिट का वैल्यू आया ना. तो एक का वैल्यू अगर 40 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 into 40 मतलब 120 होगा. मैम आपने जो सर्कल में लिखा ना 120 वो 120 कैसे आया सर्कल में? सर्कल यही सर्कल में लिखा ना मैंने. नहीं नहीं वो सर्कल नहीं, नीचे ए बी 40. अच्छा ये वाला एलसीएम आया 40 into 3 120 120 into 1 120. ये 40 और 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया. एफिशिएंसी कितना है? ए का 3 है. बी का कितना है? 1 है. तो 40 into 3 120 आएगा. या तो 120 into 1 120 आएगा. मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है वहां.
और किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो नो मैम। ओके चलो रख कर दूं। यस मैम। किसी का बाकी है? हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। ये फोर क्या से लिया थी? फोर, ये वाला फोर। हाँ थ्री प्लस वन फोर हो गया। अच्छा ए का थ्री है ना, बी का वन है। जो रेशो दिया वो किसका रेशो है वो पहले बता। जो रेशो दिया है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम का रेशो है, टाइम का वो टाइम्स बोला है, टाइम का रेशो दे यहाँ पर, डेज और टाइम का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो नहीं है। हमेशा आपको एफिशिएंसी का ही रेशो नहीं देंगे, टाइम का भी दे सकते हैं। यहाँ पे टाइम का रेशियो है, अभी ट्राई करो।
जो रेशो चैप्टर लिया था वहां पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ है, टाइम एंड वर्क का नहीं हुआ, लेकिन रेशो में जो एबीसी का हो गया साथ में कैसे आएगा, सेम होना चाहिए एबीसी एबीसी, ऐसा क्वेश्चन रेशो में हुआ है। हाँ बोलो मैम, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन में तो ए इज फोर टाइम एज फास्ट एज बी था, तो वो डेज का रेशियो था क्या? नहीं अभी अभी समझा मैम, आपको हिंट दे दी। वो वाला एफिशिएंसी का था, यहाँ पे टाइम का दिया है, यहाँ पे देखो टाइम बोला है ना, टाइम क्लियरली बोला है कि नहीं बताओ, टाइम बोला है क्लियरली, मतलब टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया, as much as time, तो clearly time बोला, तो efficiency का बात ही नहीं आएगा। मैम वो तो B में लिखा है, A पे? दोनों का भी time का ही ratio है, दोनों का same ratio दिया है, दोनों का same ही दिया जाता है हमेशा। A takes four times as much as B, तो यहाँ पे four times मतलब जितना A ले रहा है उतना ही four times हो रहा है, तो जितना as much as मतलब जितना time ले रहा है B plus C उसी का four times A ले रहा है, ऐसे हो गया, तो वहां पे भी टाइम का ही रेशियो दिया है। मैम आप सॉल्व करो। मैम लेकिन इसके पहले आपने मैम वेट कर रहा टाइम टू फास्ट बी एस बी फास्ट था ना, वहां पे फास्ट था ना, फास्ट था गुड था, फास्ट और गुड कब आएगा, वो तो इन मतलब जो भी पर्सन होगा उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से होगा ना, एज गुड एज कि वो पर्सन इसमें गुड है, तो उसमें टाइम का कोई लेना देना है क्या बताओ, वो उसमें गुड है मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो फास्ट है मतलब वो एक ही दिन में इतना ज्यादा काम कर सकता है, फास्ट काम कर सकता है, तो इसीलिए वो एफिशिएंसी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली टाइम बोला है कि नहीं बताओ, तो इसीलिए ये टाइम का रेशो होगा, वहां पे फास्ट और गुड मतलब एक एक इंसान इस काम में गुड है अच्छा है, तो हम क्या मानेंगे एफिशिएंसी अच्छी है। हाँ बोलो, हमारे 60 डेज सही है वो मेथड से किया ना संतोष। हाँ आपने हिंट दिया ना उसके बाद मुझे समझा, वो रेशो प्रोपोर्शन रेशो वाला उसी से ही आएगा सेम। चलो बताओ मैं देखो ये समझा ना टाइम का क्यों आएगा, टाइम क्लियरली यहाँ पे देखो क्लियरली टाइम बोला है और फोर टाइम्स एज गुड एज और वो जो बोला था एज फास्ट एज, तो तब क्या होता है एफिशिएंसी हर एक इंसान का अलग अलग होता है ना, कोई कोई फास्ट होता है कोई कोई काम में अच्छा होता है, तो उसी लिए एफिशिएंसी बोलते हैं उसे, और यहाँ पे क्लियरली टाइम्स मतलब एट टेक्स, तो यहाँ पे एट टेक्स का मतलब एट उतना टाइम लेता है जितना बी टाइम बी और सी को टाइम लग रहा है उससे फोर टाइम ज्यादा टाइम ए को लग रहा है, ऐसे ऐसे बोला है यहाँ पे। ओके मैम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एंड बी प्लस सी होगा और आगे दिया है बी एंड ए प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है डेज का दिया है और टाइम का दिया है, दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पे डेज और टाइम का रेशियो फोर टाइम्स है, ए है ना फोर टाइम्स, तो यहाँ पे अगर हम वन अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फोर होना चाहिए, फोर इज टू वन रेशियो आएगा। बी टेक्स थ्राइस, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स होता है, तो अगर ए और सी वन है तो उसका थ्राइस कितना होगा थ्री ही होगा, तो यहाँ पे थ्री इज टू वन रेशियो आ जाएगा, तो एफिशिएंसी का क्या होगा उल्टा रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे होगा एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितना होगा वन इज टू फोर हो जाएगा उल्टा होगा, तो यहाँ पे भी वन इज टू थ्री हो जाएगा उल्टा होगा। अभी देखो डेज अलग हो सकता है सबका, डेज में कुछ भी हो सकता है, डेज अलग अलग सबका होता है, डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं डायरेक्ट माइनस नहीं करते हैं डेज में, लेकिन जो एफिशिएंसी होगा वो तो फिक्स होगा, वो तो अलग अलग नहीं होगा। हाँ बोलो मैम एक और बार वो डेज वाला स्टेटमेंट बोलो ना, डेज वाला ए टेक्स फोर टाइम्स एज मच एज बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी को जितना टाइम लग रहा है उसका फोर टाइम्स किसको लग रहा है ए को लग रहा है, ए टेक्स मतलब ए उतना टाइम लेता है जितना बी प्लस सी को लगता है उसका फोर टाइम्स टाइम
ए लेता है, तो यहाँ पे 4:1 ही होगा ना रेशियो, क्योंकि ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, बी और सी को कम टाइम लग रहा है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्लियरली ये समझना चाहिए कि दो लोग जब भी काम करते हैं साथ में तो उनको कम ही टाइम लगेगा ना, कोई भी एक इंसान काम करेगा उसको ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 4:1 होना चाहिए। वैसे भी आप सोच सकते हैं, वैसे भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी टेक्स थ्राइस, तो यहाँ पे बी 3 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो उसका थ्राइस मतलब 3 times, यहाँ पे होगा 3:1, तो यहाँ पे उल्टा होगा 1:4 1:3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एडिशन कितना हो रहा है, 4+1 5 है, एडिशन 5 हो रहा है, 3+1 कितना होगा, 4 होगा। अभी बताओ जो भी एफिशिएंसी होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, डेज में हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी में हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे क्योंकि एफिशिएंसी कभी मैम पीछे हाँ, वाले सम में आपने तो उसका डिफरेंस लिया था, तो अब उसको आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंस का वैल्यू दिया था, हमें किसका वैल्यू दिया है यही वैल्यू पता है ना, लास्ट टाइम हमें 45 डेज डिफरेंस का वैल्यू दिया था। मैंने हमेशा बोला है जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है वैल्यू उसी का ही रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू दिया है क्या बताओ, नहीं दिया है। यहाँ पे देखो जो वैल्यू दिया है, टुगेदर दे कैन कंप्लीट, मतलब ए बी सी का डेज का वैल्यू दिया है 33, तो हमारा वैल्यू, हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम ए बी सी का डेज का रेशियो फाइंड आउट करें या तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, समझा। इसीलिए हम जो भी वैल्यू देंगे ना उसी को ही कंपेयर करने के लिए रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1+4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1+3 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन, यहाँ पे 5 हुआ यहाँ पे 4 हुआ, लेकिन टोटल किसका है, एबीसी का ही है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ए बी सी का टोटल है 5, बी प्लस ए प्लस सी यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन दोनों का दोनों ए बी सी का ही टोटल है ना, ये जो 4 है ये भी एबीसी का टोटल है, ये जो 5 है वो भी एबीसी का टोटल है, लेकिन एबीसी का एफिशिएंसी का टोटल सेम होना चाहिए कि नहीं बताओ, एफिशिएंसी चेंज होगा क्या, एफिशिएंसी उतना ही रहता है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का टोटल एबीसी का 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे, कैसे करेंगे, 4 × 5 यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4, यहाँ पे जो 5 दिख रहा है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अगर रेशियो में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो इन दोनों को भी कंपलसरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 4, और यहाँ पे आएगा इंटू 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा इंटू 5, यहाँ पे भी आएगा इंटू 5, 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 5 × 4 20 हम उसे सेम कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज है कि नहीं बताओ, ये भी एबीसी का एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, दोनों जगह पे सेम है क्या, नहीं है, तो हम सेम कर रहे हैं, समझा। 15 यहाँ पे 5 × 3 15 होगा, लेकिन मैम डेज में हमें कुछ नहीं करना है ना, मैम डेज में नहीं करना है, डेज में नहीं करना है। यहाँ पे देखो हर एक का एफिशिएंसी मिल गया, एक का कितना है, 4 है एफिशिएंसी, एग्जैक्ट एफिशिएंसी मिल गया, क्योंकि टोटल देखो 20 है दोनों जगह पे, एबीसी का टोटल 20 है, मतलब एफिशिएंसी सेम हो गया। तो बी प्लस सी का है 16, एबीसी का है 20, बी का एफिशिएंसी है 5, एसी का है 15 एंड एबीसी का है 20। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एबीसी का 33 डेज पता है ना कि इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 33 डेज, मतलब एबीसी तीनों का तीनों साथ में कितने दिन में टाइम जो भी वर्क है वो कंप्लीट करते हैं 33 डेज में, तो हमें उतना पता चल गया कि एबीसी जो है वो तीनों का तीनों 33 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी बताओ और किस किस का एफिशिएंसी है, पहले बताओ एबीसी का एफिशिएंसी मैं यहाँ पे कितना लिखूं, यहाँ पे कितना, 20 सब लोग बताओ, 20
एफिशिएंसी कितना आया एबीसी का 20 आया, दोनों जगह पे 20 आया है तो यहाँ पे डायरेक्टली 20 आएगा। 33 × 20 कितना हो जाएगा 660 होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे 660 हो जाएगा टोटल वर्क। अभी पूछा किसका है हाउ मेनी डेज, सी कैन सी का पूछा है। अच्छा ठीक है, सी का डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। बी और सी का देखो कितना है 16 है ना, बी का कितना है 5 है। अगर बी सी में से बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा 16 माइनस 5 कितना होगा 11 11 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 11 होगा किसका एफिशिएंसी सी का, बी का 660 डिवाइडेड बाय 11 कितना आएगा 60 डेज आएगा क्योंकि ये वर्क है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू डेज होता है, 660 डिवाइडेड बाय 11 60 डेज आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 60 डेज। किसी को डाउट है बोलो, पूछो डाउट। मैम एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेना मैम। हाँ मैं क्या बोलूँ, डाउट किसी को अगर ये क्वेश्चन में नहीं समझा है तो पूछो जल्दी। सबको समझा क्या ये क्या क्या किया है क्यों किया है बोलो। मैम एक बार फिर से ना 20 और 11 कैसे आया वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा 20 और 11 33 समझा ना आपको, एबीसी को 33 डेज लग रहा है 33 लिख दिया। 20 कहाँ से आया देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, तो ये सब जो लिखा है ना वो सब एफिशिएंसी ही है, ये सब एग्जैक्ट एफिशिएंसी मिला है हमें। अभी एबीसी का एफिशिएंसी कितना है 20 है ना, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। 33 × 20 कितना होगा 660 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया हमारा टोटल वर्क 660 33 × 20 किया। अभी किसके बारे में पूछा है देखो, सी के बारे में पूछा है कि सी अलोन कैन डू इट, मतलब सी अगर अकेले करेगा ये वाला वर्क तो मिल गया, ये वाला वर्क अगर अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा। अभी देखो बी सी का एफिशियंसी कितना है 1616 है ना, सब एफिशियंसी मिला है हमें सबका, और बी का कितना है 5 है, तो 16 माइनस 5 करोगे कितना बचेगा 11 बचेगा, एफिशिएंसी है तो मिल जाएगा हमें बीसी में से बी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा सी मिलेगा, तो 16 माइनस 5 कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा वो मिलेगा हमें एफिशिएंसी, तो लिख दिया यहाँ पे एफिशिएंसी 11 11 660 डिवाइडेड बाय 11 कितना होगा 6060 हो जाएगा, क्योंकि डेज का फॉर्मूला क्या है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हम तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें सिर्फ एफिशिएंसी को इसके साथ ही करना है सॉल्व, डेज को छूना नहीं, एफिशिएंसी को कंपेयर करो, हाँ डेज को नहीं करना है, डेज का अगर वैल्यू जिसका दिया है ना उसी के पीछे जाओगे आप। वैल्यू यहाँ पे 33 डेज एग्जैक्ट पता था, ठीक है अगर उसका एफिशिएंसी मिलेगा तो वर्क मिल जाएगा हमें, इसलिए एफिशिएंसी हमने निकाला। अगर आपको डिफरेंस लास्ट क्वेश्चन में कैसे डिफरेंस दिया था तो हमने डिफरेंस से कंपेयर किया। मैम वो एबीसी 33 कैसे एक बार फिर से बोलिए ना, एबीसी 33 दिया है क्वेश्चन में कि एबीसी जो है उसके बाद क्या किया है, 33 × 20 बोल रहे हो ना 20 वाला, हाँ हाँ 20 देखो ना एफिशिएंसी कितना है एबीसी का, हमने निकाला 2020 आ गया वो ही 20 लिखा है, तो 33 × 20 कितना होगा 660 होगा। मैम अपने 3